Hey, what's up buddy, आप लोग कैसे हो? मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं गेमिंग किंगडम यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेकर आया हूं माइनक्राफ्ट की एक टेक्सचर पैक और एक शेडर पैक, ठीक है। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो के अंदर ही आप लोगों को पासवर्ड पॉपअप होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैं टेक्सचर पैक किस तरीके से है भाई, बहुत ही अच्छा है विदाउट शेडर के बिना, यानी डिफॉल्ट जो शेडर है उसमें चल रहा है ये। मैंने कोई शेडर यूज़ नहीं किया है, ये सिर्फ टेक्सचर पैक है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है भाई, क्या बताओ। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जल्दी जाकर डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और नाइट व्यू जो है उसका भी रिव्यू करूँगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं पानी कितना अच्छा दिख रहा है, जो हमारा माइनक्राफ्ट है उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा भाई। अगर आप लोग शेडर पैक यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैंने कोई शेडर पैक यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं और एक शेडर पैक दिखाना वाला हूँ जो रियलिस्टिक शेडर पैक है वो दिखाना वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख कर जाइए, बीच में छोड़ कर मत जाइए, क्योंकि इससे आप लोग बहुत सारी चीज़ें मिस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और पासवर्ड इस वीडियो के अंदर ही पॉपअप होगा, तो आप लोग देखते रहिए, ठीक है। ये तो टेक्सचर पैक है, मैं कुछ देर बाद शेडर पैक के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा भाई, ऑसम शेडर पैक है, आप लोग देख सकते हो टेक्सचर पैक भी बहुत अच्छा है। और इसके बारे में अगर आप लोगों को और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप लोग डिस्क्रिप्शन को रीड कर लेना, तो वहाँ से आप लोगों को इस पैक के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग इस टेक्सचर पैक के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो वो लोग जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि मैंने इस शेडर पैक और टेक्सचर पैक के बारे में, शेडर पैक का अभी नहीं दिखाया है फिलहाल, तो टेक्सचर पैक दिखा रहा हूँ, दोनों के बारे में मैं अपने डिस्क्रिप्शन में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके रखा हुआ हूँ, तो वो जाकर चेकआउट कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं नाइट व्यू कितना अच्छा है। तो हम लोग आ चुके हैं जो मैं बता रहा था शेडर पैक रियलिस्टिक, उसमें देख सकते हैं मैं डिफॉल्ट जो टेक्सचर पैक है उसमें चला रहा हूँ, क्योंकि ये शेडर पैक डिफॉल्ट टेक्सचर पैक में भी बहुत अच्छी तरीके से चलता है, ठीक है। अगर आप लोग और कस्टम टेक्सचर पैक यूज़ करते हो तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी भाई बहुत अच्छा देख रहे हैं, तो कस्टम टेक्सचर पैक यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देख सकते हो स्काई कितना अच्छा है, देख सकते हो नाइट का व्यू कितना अच्छा है, मैं दिन का भी व्यू दिखाऊंगा। तो देख सकते हो फुल रियलिस्टिक टाइप का लगता है, और पानी देख रहे हो कितना अच्छा है, कितना अच्छा रिफ्लेक्शन दे रहा है। जो लो एंड डिवाइस है ना उनके लिए भी बहुत ही परफेक्ट है। अगर आपके पास 1.5 GB का भी फोन है तो उसमें भी ये जो पैक है ना बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आकर जरूर बताना, मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में लैग होता है तो आप लोग देख सकते हैं वाटर का शेडर कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, रिफ्लेक्शन जो है ना वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। और आप लोग शेडो भी देख सकते हैं कितना अच्छा है, जंगल का जो शेडो है। तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर जरूर डाउनलोड कर लेना है। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि मैंने जो बाद में जो वीडियो अपलोड करूँगा वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब करके घंटे वाले आइकन को ऑल पर सेट कर देना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, कैसे हो भाई? फार्मर वाले भाई है, फार्मर है क्या ये? लगता तो ऐसा ही है। नहीं भाई ये तो अनएम्प्लॉयड लेजर है, मैं ऊपर से भी थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, देख सकते हो कितना अच्छा। और पिक्सल जो है ना वो बहुत ही अच्छा आता है इस वाले पैक पे। ओ शिट, मैंने ज़ॉम्बी की बदला में विलेजर को भी मार दिया। मर जा भाई, मर जा मर जा। और एक बात है, आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन से जिस फाइल को डाउनलोड करेंगे वो एक जिप फाइल होगा। अगर आप लोगों को जिप फाइल एक्सट्रैक्टिंग नहीं आता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में और एक वीडियो का लिंक है, उसको जाकर जरूर चेकआउट कर लेना है, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपरली बताया है कैसे एक्सट्रैक्टिंग करना है, ठीक।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।